आते लक्षण लग गई है। ये तो एक प्रकार से चालबाजी है अपने आप को सुरक्षित करने की। हमें पहले अपने आप को भली भांति जानना चाहिए, अपने तरीके से जानना चाहिए, किसी के संदर्भ में नहीं, अपने माँ बाप के सपनों के संदर्भ में नहीं, अपने टीचर के संदर्भ सपनों के संदर्भ में नहीं, अपने प्रधानमंत्री के भाषण के संदर्भ में नहीं, खुद के संदर्भ में। मैंने जो तय किया था पहले क्या हुआ उसका, उससे हमको पता चलेगा हाँ मैं इतना तो कर सकता हूं, तो तय करो यहां नहीं रुकना है, 5 कदम और जाना है। लक्ष्य अपने सामर्थ्य के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए और अपने सपनों की ओर ले जाने वाला होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सपने ही मरे पड़े हो तो सामर्थ्य ही मरता चला जाता है, और ऐसी जिंदगी कभी नहीं होनी चाहिए। और इसलिए मेरा मत रहेगा कि लक्ष्य साफ होने चाहिए। लक्ष्य 2 प्रकार के भी होते हैं, एक अंतिम लक्ष्य प्राप्ति के लिए छोटे छोटे, आपने देखा होगा कोई जो बड़ी पहाड़ी चढ़ता है तो पहले छोटी छोटी पहाड़ियों को लक्ष्य बना करके चढ़ते चढ़ते उसको सिद्ध करके फिर अगली चोटी पे जाता है। हमने भी कोशिश यही करनी चाहिए, तब जाकर के मैं समझता हूं कि हम लक्ष्य के साथ जीवन को चला सकते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और लक्ष्य अगर प्राप्त नहीं हुआ है तो हमने एक बार इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, देखना चाहिए अंदर कि मैंने तय किया था कहां कमी रही, मेरी मेहनत में कमी रही, मेरे प्लानिंग में कमी रही। इन छोटे छोटे लक्ष्य का वेरिफिकेशन करते रहेंगे तो बड़े लक्ष्य तक जाने में कोई बड़ा हादसा नहीं होगा, आप उसको आसानी से करेक्ट करते जाएंगे, पार करते जाएंगे। तो लक्ष्य से होना लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य पाने के रास्ते में आपका कितना कॉन्सेंट्रेशन है, आप कितनी एनर्जी कितनी लगाते हैं, किस काम के लिए कितना समय लगाना चाहिए इस पर अगर आप जागृत है, मुझे विश्वास है कि कोई लक्ष्य बेकार नहीं जाता है, वो लक्ष्य आपको भी सामर्थ्यवान बनाता है। सर, तमिलनाडु से एक छात्र नरेन अपने मन की बात आपसे कहना चाहते हैं। नमस्कार सर, आई एम नरेन गढ़ फ्रॉम पोल्लाची तमिलनाडु। सर, योर सिस्टर सपोर्ट्स टू अपलिफ्ट अवर नेशन इंस्पायर ऑल ऑफ अस व्हेनेवर वी फेस इंपेडिमेंट्स और सेटबैक्स वेदर इन एग्जाम्स स्पोर्ट्स और एनी अदर कॉम्पिटिटिव सिनेरियोस। What motivates you, sir, to be energetic and tirelessly enthusiastic in your 17 hours hectic work schedule? As students, how can we adhere to proper time management schedule in accomplishing our goals? Thank you, sir. जब हमें एग्जाम्स या खेल या किसी प्रतियोगिता में असफलता मिलती है या मुश्किलें आती हैं, तो आपके द्वारा को लगातार ऊंचाइयों तक ले जाने के आपके प्रयास हमें हमेशा प्रेरणा देते हैं। 17 घंटों की आपकी व्यस्त दिनचर्या में आपको ऊर्जावान बनाए रखने और बिना थकान महसूस किए उत्साहित रखने में ऐसी क्या चीज है जो आपको हमेशा मोटिवेट करती है? हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट स्केड्यूल का पालन कैसे करें? पानी कृपया बताएं। आपने अपने परिवार में देखा होगा, आप कभी थक जाते होंगे, आप कभी बोर हो जाते होंगे, आपका मन भी करता होगा नहीं यार ये कुछ और करें। लेकिन क्या कभी सोचा है हमारी माँ का भी तो शरीर होता है, उसको भी कभी थकान लगती है, उसको भी कभी बीमारी आती होती है, उसको भी मन करता होगा कदम आए सो जाए, लेकिन वो हर पल इतनी बीमार क्यों ना हो, बच्चे का स्कूल से आने का समय होगा तो हंसते हुए चेहरे दरवाजे पर खड़ी रहे। पानी पिला लेती हो, काम वाले नहीं आए तो उसको बुलाने के लिए व्यवस्था करती है, इतनी सारी चीजें कैसे करती? क्यों? परिवार मेरा है, सदस्य मेरे, माँ के मन का घाव होता है, मैंने खुद को कौन करेगा?
जब ये भाव पैदा हो जाता है अपने पन का, तो फिर ऊर्जा अपने आप आती है। थकान कभी घर का दरवाजा नहीं देखती है। मेरे दिल में 750 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है और 750 करोड़ देशवासी मेरे परिवार है, तो मैं थकान महसूस नहीं करता हूँ। हर पल मैं सोता हूँ, रात को जब बिस्तर पे जाता हूँ तो सुबह का सोच करके जाता हूँ, दिन भर कितना किया नहीं किया भागती बात है, कल सुबह नए उत्साह से निकल पड़ूंगा, ये सोच करके बिस्तर पे जाता हूँ और नए उमंग नए ऊर्जा के साथ आता हूँ। जहां तक टाइम मैनेजमेंट का सवाल है, आप अगर किसी से समय मांगे और वो ये कहें कि मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास इन दिनों समय नहीं है, तो आप लिख के रखिए, वो झूठ बोलता है, मतलब उसको समय का उपयोग आता नहीं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है